hope you guys are doing good and in the best condition of your health and fit. So today I have come here with the topic, the part 2 of the pharmacodynamics. So before going towards further detail of the pharmacodynamics, it is very important for you guys to know what actually the receptors are. As we have discussed earlier, रिसेप्टर्स बेसिकली आपके पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है, प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स होते हैं, या आप कह सकते हैं प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस हैं जो आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई ड्रग आ रही है, इवन दो फूड पार्टिकल आ रहा है, तो वहाँ पे आके वो उसके साथ बाइंड करें और बाइंड करने के बाद वो फर्दर अपना एक्शन परफॉर्म करें, जिस तरीके से भी उसने अपना फर्दर वर्क करना है वो प्रॉपरली उसको अचीव कर सके. ओके, so it is very important for the body to have a receptor there. ठीक है, receptor की presence जो है वो बहुत ज़्यादा matter करती है कि किस तरीके का receptor है और कहाँ पर present है. अब चूँकि हम लोग receptor families को देख रहे हैं, यानी कि receptor की classification देख रहे हैं कि कौन कौन से receptors हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ligand gated ion channels. अब ions की बात हो रही है और ligand की बात हो रही है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ligands भी present होंगे और आपके पास आयंस भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और इनका दूसरा नाम जो है वो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर रखा गया है आयंस की वजह से या लाइगेंड की प्रेजेंस की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को जो है वो मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स का नाम भी दिया गया है. बेसिकली ये जो आपके पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपके पास ग्वानिन, इसमें आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक ग्वानिन जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसको यूज़ करते हैं, जिसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी इसमें ना कपलिंग हुई हुई होती है. ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स कहते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एंजाइमेटिक रिसेप्टर. एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स आर सो नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर एंजाइम इन नेचर. ठीक है, एंजाइम आपको पता है कैटालिसिस करवाते हैं या ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं, आपके पास जो भी फूड पार्टिकल है या ड्रग है उसको फर्दर प्रोडक्ट्स में कम्प्लेक्स बनाने के बाद जो है वो कन्वर्ट करवाते हैं. ठीक है, और इस पर मोस्ट कॉमनली जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो हमारे पास है टायरोसिन काइनेज. लास्टली हमारे पास आ जाते हैं रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन. इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें स्पेसिफिकली जीन्स इन्वॉल्व होंगे. जीन्स आपको पता है कि इनहेरिडिटी कैरेक्टर्स का जो है वो बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट कैरेक्टर जो हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, और डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो हमें उसी तरीके से नज़र आ रहे होते हैं जैसे कि पेरेंट्स में होते हैं. इसमें बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. ट्रांसक्रिप्शन भी आपको बहुत डिटेल में पता है पहले कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, कि डबल स्ट्रैंड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है बाय मींस ऑफ मैसेंजर आरएनए. और स्टीरॉइड की सिक्रीशन कहाँ से होती है, तीन तरह के ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, आपके पास फिर टेस्टिस आ जाती है और ओवरीज आ जाती हैं जो आपके पास जो है वो ये सिक्रेट कर रही होती है. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेप्टर्स फैमिलीज. अभी तक हमने देखा कि रिसेप्टर्स फैमिलीज के नाम क्या हैं और उनको जनरली उनके नेम के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने थोड़ी सी उनके डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स देख लिए, ताकि अगर हमें हमारे सामने कोई वो नाम ले आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर, हमें पता हो कि लाइगैंड गेटेड आयन चैनल की बात हो रही है, मेटाबोट्रॉपिक ले तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की बात हो रही है, फिर इसी तरह एंजाइमेटिक है तो टायरोसिन काइनेज की बात हो रही है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन, स्टीरॉइड्स या फिर जीन रेगुलेटिंग रिसेप्टर्स की जो है वो बात की जा रही है. अब आती है कि इनकी लोकेशन की, जाहिर सी बात है कोई रिसेप्टर है तो वो कौन सी जगह पर प्रेजेंट होगा, ये तो पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स या आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स की बात करें तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है. मेम्ब्रेन कौन सी, सेल की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. एंजाइमेटिक रिसेप्टर ऑब्वियसली ये भी जो है मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे. और लास्ट न्यूक्लियर रिसेप्टर इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, आपके साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, व्हाटएवर, ठीक है, उस वाले पार्ट में आपके पास जो है वो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं अफेक्टर. अफेक्टर का मतलब ये है कि वो अफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे या कौन चीज़ जो है वो उसको अफेक्ट प्रोड्यूस करवाने में इन्वॉल्व है. तो अगर हम आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो आयन चैनल, अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि उसके अंदर आयन चैनल्स हैं, नाम से ही जाहिर था आइनोट्रॉपिक है तो आयंस की इन्वॉल्वमेंट है.
वो भी डिपेंड करता है कि किस जगह पर कौन से आयन जो है